सीट्रॉन ने हाल ही में एंट्री लिया है अपनी C5 एयरक्रॉफ्ट प्रीमियम SUV से। ये गाड़ी सीट्रॉन के लिए इंडिया में कुछ खास अच्छी नहीं रही है, क्योंकि ये गाड़ी एक तो ओवर प्राइस्ड है और ऊपर से इसमें अपने सेगमेंट के हिसाब से कुछ खास अच्छे फीचर्स भी नहीं मिल पाते। पर अब बहुत जल्द सीट्रॉन एक नई हैचबैक लॉन्च करने वाला है इंडिया में, जो इंस्पायर्ड होगा SUV डिजाइन से, और उस हैचबैक का नाम है सीट्रॉन C3। SUV डिजाइन से इंस्पायर्ड होने की वजह से इंडिया में इसे SUV भी कहा जा रहा है। और इस गाड़ी के लॉन्च से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन आए हैं, तो चलिए इस वीडियो में हम देखते हैं ये गाड़ी कब तक लॉन्च होगी और इसमें क्या कुछ फीचर्स मिल जाएंगे और ये गाड़ी दिखने में कैसी होगी। तो फ्रंट से जब आप इस गाड़ी को देखोगे तो डुअल क्रोम लाइन दिया गया है और उसी क्रोम लाइन के सेंटर में सीट्रॉन का लोगो इंटीग्रेटेड है और ये लोगो सेटअप दिखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। डुअल क्रोम लाइन से ही इस गाड़ी के डे टाइम रनिंग लाइट्स कनेक्टेड हैं और डे टाइम रनिंग लाइट्स के पास ही आपको हैलोजन हेडलैम्प ऑफर किया गया है। और ये रहा इस गाड़ी का ग्रिल हेक्सागोनल शेप में, और इसमें फ्रंट बम्पर आपको ब्लैक कलर में मिलता है, पर बम्पर पे सिल्वर कलर में स्किड प्लेट दिया गया है, जिसकी वजह से इसका बम्पर दिखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और बम्पर के साइड में ही फॉग लैंप का हाउसिंग किया गया है और फॉग लैंप के बाहर ऑरेंज कलर का टेक्सचर दिया गया है इसे और स्पॉटी दिखाने के लिए। और साइड से देखोगे तो ये गाड़ी आपको डुअल टोन में दिखने वाला है, 16 इंच के डुअल टोन अलॉय व्हील्स ऑफर किए गए हैं, जो दिखने में काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। और इस गाड़ी में आपको डोर हैंडल्स पुराने जमाने के ऑफर किए जाएंगे, जो दिखने में कुछ खास अच्छी नहीं लग रही। और फ्रंट डोर के बॉटम पे ऑरेंज कलर का टेक्सचर यूज किया गया है इसे और स्पोर्टी दिखाने के लिए। और रेयर से देखोगे तो इसका रेयर डिजाइन काफी सिंपल रखा गया है, स्क्वायर शेप में LED टेल लैंप ऑफर किया जाएगा, सेंटर में सीट्रॉन का लोगो है और राइट साइड में C3 की बैजिंग। और इसका रेयर बम्पर भी ब्लैक कलर में होने वाला है और बम्पर पे स्किड प्लेट दिया जाएगा। तो ओवरऑल ये गाड़ी एक स्पोर्टी SUV लगने वाली है, पर यह है एक हैचबैक ही। इस गाड़ी के इंटीरियर की बात करें तो इंटीरियर आपको डुअल टोन में मिलने वाला है और इसका डैशबोर्ड भी आपको डुअल टोन में ही मिलने वाला है, पर डैशबोर्ड पे ये ऑरेंज कलर काफ़ी सारे लोगों को डिसअपॉइंट कर सकता है। और इस गाड़ी में मिलने वाले फीचर्स की बात करें तो 10 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम ऑफर किया जाएगा विथ एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, मैनुअल AC, फ्लैट बॉटम स्टेयरिंग व्हील, ओनली फ्रंट पावर विंडोज, रेयर विंडोज आपको मैनुअली एडजस्ट करना पड़ेगा। और इसके अलावा और भी कई सारे फीचर्स इस गाड़ी में ऑफर किए जाएंगे, पर अपने सेगमेंट के हिसाब से ये गाड़ी फीचर्स के मामले में उतनी अच्छी नहीं होने वाली। मतलब इस सेगमेंट के दूसरी गाड़ियों में ज़्यादा फीचर्स ऑफर किए जाते हैं इस गाड़ी के मुकाबले। अब बात करते हैं इस गाड़ी के मेन पार्ट इंजन और परफॉर्मेंस के बारे में। तो इस गाड़ी में 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन ऑफर किया जा सकता है और ये इंजन कितना पावर और टॉर्क जनरेट करेगा इसके बारे में कोई कंफर्मेशन नहीं है, पर इस इंजन के साथ 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन और 7 स्पीड DCT ट्रांसमिशन ऑफर किया जा सकता है। और इसमें डीजल इंजन ऑफर किया जाएगा या नहीं इसके बारे में भी कोई कंफर्मेशन नहीं है, और अगर आता भी है तो स्टार्टिंग में ये गाड़ी सिर्फ पेट्रोल के साथ ही आएगा, उसके बाद ये डीजल में ऑफर किया जाएगा। और इसके लॉन्च की बात करें तो ये गाड़ी आपको जून के महीने में अनवील होते हुए दिख सकती है और जुलाई से अगस्त तक ये इंडिया में लॉन्च हो जाएगी। और लॉन्च के बाद इस गाड़ी की एक्सपेक्टेड प्राइस हो सकता है बेस मॉडल 5.50 लाख से स्टार्ट होकर टॉप मॉडल 8 लाख तक, और ये अपने लॉन्च के बाद राइवल करेगी मारुति सुजुकी बलेनो, हुंडई i20 और टाटा अल्ट्रोज के साथ टाटा पंच, निसान मैग्नाइट और रेनो काइगर से भी। तो ये रहे सीट्रॉन C3 से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें और ऑटोमोबाइल से जुड़े इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।